सत श्री अकाल जी सारिया नूं, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल एवी फूड मैजिक छे। अज असी अपने किचन च बनाउण जा रहे हैं पनीर दे परांठे। और यह परांठे जिहड़े असी बना रहे हैं ना, बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल फटते नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट परांठे बनते हैं। हुण तुसी यह बहाना नहीं लगा सकते जी, साढ़े इत्थे पनीर नहीं है। सब तो पहले असीं तुहानूं बनाना सिखाएंगे पनीर, उहदे बाद बनाना सिखाएंगे पनीर दे परांठे। और घर च जिहड़ा पनीर बनता ना, वह बाजार दे पनीर तो कई ज़्यादा गुना बैटर होंदा है और बहुत सॉफ्ट बनता है। पनीर बनाने वास्ते सानू 1.5 लीटर दुध लेना है और यह फुल फैट मिल्क है। दुध नूं असीं रख देंगे गैस से, जब उबाला आ जाए तो यह दुध में बंद कर देंगे। ऐसे जो पाएंगे 2 चम्मच विनेगर, असी इतने विनेगर का यूज कर रहे हैं, तुसी नींबू का यूज कर सकते हो, लेकिन विनेगर पाने ना दुध प्रॉपर फट जाता है और बहुत जल्दी फट जाता है। 2 चम्मच विनेगर पा के इनू मिक्स करेंगे और इनू असी किसी मलमल के कपड़े से छान लेंगे। कपड़े नू बन देंगे और कपड़े के ऊपर कोई भारी सामान रख देंगे अद्धे घंटे वास्ते। अद्धे घंटे बाद इनू खोलेंगे, पनीर बन के तैयार है। अगर तुसी इनू सेम डे यूज़ करना हो तो पानी से ना पाओ, अगर नेक्स्ट डे यूज़ करना हो तो पानी से पा के फ्रिज से रख सकते हो। हुण असी बनाएंगे परांठे। परांठे बनाने वास्ते असी लिता है एक भांडा, उहदे च पाएंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन पाने नाल जिन्ना लोगों को पनीर खा के हैवीपन लगता है वह नहीं लगेगा। 1/2 छोटा चम्मच नमक पाएंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। ऐसे पाएंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी नाल पनीर के परांठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसे च पाएंगे एक मीडियम साइज का प्याज। और इतने असी जो पनीर से वह पानी से पाया होया सी, तेनू पहले असी 1/2 घंटा छन्नी के उपर रख देना जिना जिना सारा पानी निकल जाए। अगर पानी से प्या पनीर हैगा और तुसी डायरेक्ट ऐसे च पाओगे तो परौंठे से नमी आएगी और परौंठा फट जाएगा। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो। अगर तुसी मार्केट का पनीर यूज कर रहे हो या फिर तुसी पानी से रखा हो या पनीर यूज कर रहे हो तो उन्होंने छन्नी से पा के 1/2 घंटे लिए बाहर छोड़ दो जिन्हों सारा पानी निकल जाए। पनीर नू अच्छी तरीके नाल मैश कर लेंगे जिन्हों सारे मसाले चंगी तरह मिक्स हो जाए। हूँ अगर तुसी ये परांठे थोड़ी देर बाद बनाने हैं तो मिक्सचर नू फ्रिज रख दो, नहीं तो ये तुरंत परांठे बना लोगे तो यह पानी नहीं छोड़ेगा। हुण असीं लेंगे आटा और यह नॉर्मल आटा है जिहड़ा असीं रोटी का गुंदे हां, बस आटा ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा ढिला नहीं होना चाहिए। आटे का एक पेड़ा लेंगे, इनू थोड़ा सा वेलेंगे, इहदे च रखेंगे पनीर। जेकर असीं आलू भरदे हाँ इनू वैसे नहीं भरना, इनू चंगे तरीके नाल रख के चारों साइड तो उपर उठाएंगे और इहदी पोटली बना देंगे। और इनू बहुत ज़्यादा नहीं भरना और जिहड़ा असी पोटली वाला भाग से उपर करेंगे जिहनाल परांठा फटेगा नहीं। और इनू असी वेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ नाल। जब परांठा विल जाए तो असी तवे पर पा देंगे और तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। एक साइड तो जब परांठा सिक जाए तो इनू दूसरी साइड पलटेंगे। तुसी इहदे च घ्यो या रिफाइंड किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो, परांठा बहुत टेस्टी बनेगा। और इहदे च लगाएंगे थोड़ा सा घ्यो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और इहनू दूसरी साइड पलटेंगे और दूसरी साइड में भी असी घ्यो लगा लेंगे। जब परांठा दोनों साइड तो ब्राउन हो जाए अच्छे तरीके नाल, तो असी सारे परांठे ऐसे तरीके नाल बना के तैयार कर लेने हैं। पनीर के परांठिया नूं असी गर्मा गर्म सर्व करेंगे दही नाल या फिर हरी चटनी नाल, या ऐसे भी तुसी इहनू चाह नाल खा सकते हो। तुसी भी बनाओ पनीर का परांठा और इंजॉय करो। और सानू कमेंट करके जरूर बताओ कि तुहानू परांठे किवें जे लगे। और अगर चैनल नूं हले तक सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करना ना भुलो।